हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पे। गाइस, इस वीडियो में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सेट नंबर 74 है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप सभी लोग गाइस रट लीजिएगा। ठीक है, यही प्रश्न आप सभी के पेपर में एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने देखिए आप सभी गाइस, और फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होने वाले। ठीक है, यूरेनियम के विशाल अवशेष कहाँ पाए गए, यूरेनियम के विशाल अवशेष कहाँ पर पाए गए, किस राज्य में पाए गए। तो फर्स्ट का राइट यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे फ्रेंड्स। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, यूरेनियम के विशाल अवशेष कहाँ पाए गए, आंध्र प्रदेश में पाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, सेकेंड क्वेश्चन क्या बना इसका देखिए आप सभी, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो गाइस, कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, सेकेंड का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर गाइस सी, 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, इसका क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से हैं याद रखेंगे, आप सभी कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है गाइस, थर्ड का राइट इसका निकलना है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। ठीक है, सी राइट याद रखेंगे, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बना है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो इसका राइट क्या निकल रहा है, इसका राइट हो जाएगा भगवान जगन्नाथ है। ठीक है, सी करेक्ट याद रखेंगे, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है, वो पुरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, देखिए फ्रेंड्स फाइव क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन बनने वाला, किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन से भारतीय को दिया गया था, एस चंद्रशेखर को। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बता सकते हो टोटल नंबर कितने सही कर पा रहे 20 में से। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स क्वेश्चन क्या बना है, देखिए आप सभी इसको, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, किसने सगाई समाप्त किया था दास प्रथा को। तो सिक्स का राइट आंसर निकल रहा है अब्राहम लिंकन है। ठीक है, ए करेक्ट याद रखेंगे, अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी गाइस, से क्लास रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी बैंक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए, रट लीजिएगा। ठीक है, भारत की जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है गाइस भारत की, तो सेवन का राइट इसका निकल रहा है मानसूनी जलवायु है। ठीक, इसका बी राइट आंसर निकल रहा है मानसून जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन है गाइस, राइट आंसर क्या निकल रहा है, एट का ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, इसका राइट आंसर निकल रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, डी सी करेक्ट आंसर इसका भी निकल रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान को। गाइस, इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर से क्या निकल रहा है, 10th का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, सी करेक्ट है याद रखेंगे। ठीक है, और नागासाकी दिवस आ जाए तो गाइस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या निकल रहा है 11 का ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ठीक है, बी करेक्ट है याद रखेंगे, कोसी नदी अपना रास्ता गाइस हर टाइम पर बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका बी। देखिए फ्रेंड्स, 12th क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट है, गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी, गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी, तो अरुंधति राय ने लिखी, इसका सी करेक्ट है याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। ठीक, अरुंधति राय इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, राइट है इसका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ए करेक्ट है याद रखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को गाइस पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट भी हो कई बार।
किस खेल के साथ लैट शब्द का संबंध है? किस खेल के साथ लैट शब्द का संबंध है? लैट शब्द इंपॉर्टेंट है। डी करेक्ट है, बैडमिंटन। ठीक है, डी राइट है, याद रखेंगे। बैडमिंटन के साथ संबंध, मतलब खेल के साथ संबंधित है लैट शब्द, इंपॉर्टेंट है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 15 का राइट इसका निकल कर आ रहा है गाइस, ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1942 में। ठीक है, इसका डी राइट है, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 16 का राइट इसका निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मनीला में है। ठीक है, इसका सी राइट है, याद रखेंगे। देखिए गाइस, 16 क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है, तो आप सभी लोग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन वो भी होने वाला है, मैनेज करिए। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो 16 का राइट इसका निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह के विरुद्ध। ठीक है, याद रखेंगे, रजिस्टर किया गया था, बी राइट है, याद रखेंगे आप सभी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस थे बी आर अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इसको गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम सभी, कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? तो 18 का राइट इसका निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक, ए करेक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, और घंटे वाले निशान को भी ऑन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर रेगुलर वीडियो इसी टाइप से आते हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पर डे दो वीडियो जा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो 19 का राइट इसका क्या निकल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है इस विजय घाट? ठीक, इंपॉर्टेंट है, ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की जब गाइस स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 20 का राइट इसका निकल रहा है, क्लीमेंट एटली। ठीक, इसका सी करेक्ट है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, और भी कई बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इसकी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सभी लोग चलते कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन पे, क्या बनना है देखिए आप सभी गाइस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जिसको पता हो कमेंट कर सकता है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कमेंट करके बता सकते हो, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या फिर लुधियाना। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जाओ, नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सर कमेंट बॉक्स वाले का ए है, बी है, सी है या फिर डी है। ठीक है, अपने नाम भी से लिख सकते हो। तो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।